धीरे धीरे करके अब सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। अब सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही बहुत सारे लोगों को मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि पहले मेरे पास बहुत सारी कॉल्स या फिर मैसेज जो है आते ही रहते थे, लेकिन अब थोड़े से कॉल्स और मैसेज आना थोड़े से कम हो गए हैं। उसका सीधा सा संबंध यह है, सीधा सा रीजन ये है, क्योंकि जिस तरीके से अब हमारी जो अपडेट आ रही है और हमारे एस प्रोफेसर अभी अभी जो कोई भी प्रोग्राम चलता है लाइव, उस लाइव प्रोग्राम के अंदर आ जाते हैं और अपनी बहुत सारी अपडेट्स को जो है देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं वो धीरे धीरे करके जो है क्लियर होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं यूं कहूं कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट था पहले कभी, वो शायद अब नहीं होगा। किसी भी टाइप का डाउट या किसी भी टाइप का क्वेश्चन अब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और अगर मैं यूं कहूं कि एक जो बिलीफ सिस्टम जो हमारा एक थोड़ा सा वीक हो चुका था, अब वो बिलीफ सिस्टम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है अपने इस ऑन पैसिव के ऊपर, अपने एस मुफारेसर के ऊपर और अपने इस टेक्निकल स्टाफ और पूरी एंटायर टीम के ऊपर पूरा एक बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। क्योंकि यहां पे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और यही एक सफलता की सबसे बड़ी निशानी होती है। और किसी भी कंपनी को अगर ऊपर तक जाना है, उसे एक बहुत ही अच्छी सफलता, एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस हासिल करनी होती है, तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको आगे जाना होता है। तो यहाँ पे सब कुछ धीरे धीरे करके क्लियर होता जा रहा है। अभी तक पैकेज के बारे में बात पता नहीं थी, तो पैकेज के बारे में थोड़ी बहुत बात पता चली है। प्राइस के बारे में थोड़ी बहुत बात पता नहीं थी पहले कभी, तो अब थोड़ी बहुत हिंट मिल चुकी है, लेकिन क्लियर इन्फॉर्मेशन हमारे बैक ऑफिस के अंदर जरूर आएगी और बहुत ही जल्दी आएगी कि हमारा पैकेज कितने रुपए का होगा, कितने डॉलर का होगा, उसके लिए वेट करें। तो यहाँ पे जो चीजें हमारे मन में पहले उथल पुथल चल रही थी, वो सब अब धीरे धीरे करके क्लियर होती जा रही है। और एस सर ने यहां तक भी कह दिया है कि अब इस हफ्ते के अंदर या इस दो हफ्ते के अंदर और भी बहुत सारी चीजें यहां पर जो है और भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहां पे सब कुछ हमारे बैक ऑफिस के ऊपर ही डिपेंड करता है, सब कुछ आपके अपडेट रहने के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आपके मन में हजारों सवाल ऐसे ही समय समय पर जो है आते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल ना आए, तो आप अपडेट रहिए। और अपडेट रहने का मतलब यह है, जो भी चीजें हमें बताई जा रही हैं, जो भी चीजें कंपनी के द्वारा, एस सर के द्वारा या बैक ऑफिस के द्वारा जो भी चीजें हमसे शेयर की जा रही हैं, आप उनको बस लगातार देखते रहिए, लगातार उनको आप जानते रहिए कि क्या क्या हुआ, बस यही अपडेट होती है। चीजों को थोड़ा सा फाइनलाइज होने तक का हमें वेट करना है। अभी बहुत सारी चीजें फाइनल नहीं थी, लेकिन कुछ चीजें फाइनल हो चुकी हैं। अब बहुत सारी चीजें ऐसे भी हैं जो कि अब हमें कुछ चीजों का फाइनलाइज होने तक वेट करना है। अभी तक जो भी हम बिजनेस करने वाले थे, जो भी बिजनेस हम करने वाले हैं आने वाले वक्त के अंदर, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। क्योंकि ये जो बिजनेस हम करने वाले हैं, इसके पीछे एक जो हमारे एस मुफारे सर एक पूरा का पूरा जो प्लान डिस्कशन कर रहे हैं या प्लान जो बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग प्लान भी कह सकते हैं, मार्केटिंग प्लान कह सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्लान कह सकते हैं या एफिलिएट इनकम प्लान कह सकते हैं, यानी कि जो कुछ भी कहते हैं वो तो बाद में पता चल जाएगा। बट ये जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, ये जो एक पूरा का पूरा जो एक डिजाइन किया जा रहा है स्ट्रक्चर, और उसमें पूरी की पूरी कैलकुलेशन डाली जा रही है, ये इसलिए डाली जा रही है ताकि आप अपना बिजनेस यहां पर सही तरीके से शुरू कर पाएं। और जब तक ये पूरी कैलकुलेशन उस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं डाली जाएगी, तब तक हमारा बिजनेस शुरू भी नहीं हो सकता। ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे पैकेज के प्राइस के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अभी बैक ऑफिस के अंदर इसकी कोई भी जो है फाइनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, फाइनल सूचना नहीं है इसमें कि हमारा पैकेज फाइनल इतने का ही होगा। अभी ऐसा तो है नहीं कि ये $500 का होगा या $100 का होगा या $300 का होगा। बस एक अनुमान से एस सर ने अपना एक हिंट बता दिया है, जिससे कि आप थोड़ा सा तैयार रहें, प्रिपेयर कर लें अपने आप के लिए। लेकिन जो क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे बीओ यानी कि बैक ऑफिस के अंदर जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। पैकेज किस तरीके का होने वाला है ये भी हमारे पास आ जाएगा। एंड जब तक चीजें फाइनल नहीं हो जाती हैं, तब तक किसी प्रकार की जो कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो जाती है, ठीक है, वो हो सकती है। क्योंकि मैंने कुछ बता दिया,
किसी से आपने कुछ और सुन लिया, और खास तौर से जो लोग बहुत ही अच्छे से आप जानते होंगे कि इस टाइप की जो वीडियोस बनाते हैं, उल्टी सीधी जो वीडियोस बनाते हैं, सही मायने में कंफ्यूजन क्रिएट वही करते हैं। जी हाँ, जैसे ही एस मुफारिसर ने कोई भी बात कह दी, पैकेज के बारे में थोड़ा सा कह दिया, कमीशन के बारे में थोड़ा सा कह दिया, अब बस यहाँ पे बहुत सारे जो दूसरी तरफ हमारे कुछ ऐसे वीडियोज आती हैं और आप देखते भी होंगे उनको, और सजेशन तो ये है कंपनी की तरफ से कि आप इस टाइप की वीडियोज को फॉलो ना करें, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे कुछ वीडियोस ऐसी भी आ जाती हैं कि बस कमीशन के बारे में बोल दिया कि तो 15 तारीख से ऐसा हो जाएगा, 20 तारीख से ऐसा हो जाएगा और 17 तारीख से ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग में डाल देती हैं। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग से जो है हमें वापस बाहर निकलना है और मिसलीड होने से बचना है, और समय के अनुसार जो है कुछ चीजें जो है बदल सकती भी है, क्योंकि अभी कोई भी चीज फाइनल तो है नहीं, क्योंकि हमें फाइनलाइज होने तक रुकना भी पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी हमने जितना वेट किया है उस वेटिंग के दौरान सब लोगों ने देख लिया कि क्या क्या चीजें यहाँ पे बनकर तैयार हो चुकी हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। तो यहाँ पे अभी हमारी कुछ चीजों में अगर फेरबदल होता भी है और हमने कुछ और बता दिया, एस मुफार सर ने कुछ और बता दिया अभी फिलहाल, और बाद में कुछ और भी हो गया, तो बाद में सब लोग यही कहते हैं कि हमें ऐसा बताया गया था। तो यहाँ पे समय के अनुसार जो सही होगा उसमें लगता है कि कंपनी को कुछ गलत हो गया है, तो उसमें फेरबदल भी हो सकता है। फेरबदल का मतलब यह है कि उसमें बदलाव भी हो सकता है। बैक ऑफिस में फाइनल होने के बाद चीजें अपने आप ही जो है दिखने लगेंगी, एंड तब ये पूरी तरीके से फाइनल माना जाएगा। और हम सबको पता है कि बैक ऑफिस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आती है, चाहे वो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो, और छोटी हो बड़ी हो, पैकेज के बारे में हो या किसी कमीशन के बारे में हो, प्रोडक्ट के बारे में हो या किसी मार्केटिंग प्लान के बारे में हो या मार्केटिंग के बारे में हो, मार्केटिंग कैंपेनिंग के बारे में हो, एक्स वाई जेड किसी के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो एक फाइनल इन्फॉर्मेशन मानी जाती है। और बैक ऑफिस के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो रिटर्न में होती है, आपको पता है, और रिटर्न में होने का मतलब यही है कि अब हम उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो पहुंच जाती है। जब भी आप कोई रिटर्न में आप फैसला करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आप एक एज एविडेंस के रूप में भी रखते हैं। तो एस सर जो है ऑन पैसिव को बहुत ही अच्छी तरीके से बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से देखते भी हैं और लोगों को टॉप पर भी ले जाना चाहते हैं। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि एस सर हम सब लोगों को किस तरीके से टॉप पर ले जाना चाहते हैं, वो किस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी जो प्लानिंग है वो वास्तव में बहुत तगड़ी है, इतनी तगड़ी प्लानिंग है, इतनी अच्छी बेस्ट प्लानिंग है कि शायद हम सब लोग सोच नहीं पाएंगे। आज मेरी एक फाउंडर मेंबर से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि आज मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूं कि हमारा जो ओ कनेक्ट है और जैसे ही ये मार्केट में जाएगा ये वास्तव में तहलका मचाएगा, धूम मचाएगा, बिकॉज इस प्रकार का जो टूल है ना वो किसी के पास नहीं है, इस टाइप के फीचर्स किसी के पास नहीं है, तो ये तहलका मचाने वाला है, क्योंकि हमने लोगों का फीडबैक लेकर के जो है देख लिया है, जो वास्तव में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से अपना बिजनेस करते हैं उनको वो कनेक्ट के बारे में बता करके उनका फीडबैक लेकर के देख लिया है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझें, ये धूम मचाएगा, वास्तव में धूम मचाएगा, बस थोड़ा सा वायरल होने दें, थोड़ा सा मार्केट में इसको आने दो। वो इससे बेहतरीन तरीके से जो बना रहे हैं ना, तो इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि इसमें उनका बहुत सारा मेहनत भी लग रहा है, एंड हमारा भविष्य पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस बात को तो हम कई बार बता चुके हैं, क्योंकि उनकी जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं। जी हाँ, लगातार का मतलब यह है बिना छुट्टी के, क्योंकि अब एस मुफारिस सर को भी लगने लगा है कि अब इस जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं या जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, इन सब लोगों को अब जो है एप्पल्स की जरूरत है। अब ये एप्पल्स के बारे में ही सारी की सारी जो है एक्टिविटी जो है घूम रही है। अभी तक तो प्रोडक्ट बनाने की तरफ घूम रही थी एक्टिविटी, अब जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं, अब एप्पल्स के पीछे एप्पल्स बनाने के पीछे जो एक्टिविटी घूम रही है कि किसको सही तरीके से, क्योंकि प्लान एक बार जब बन गया ना तो वहां पर कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमें सालों पीछे लेके जा सकती है। कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं एस मुफारिस सर, जी हाँ, बहुत कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए हम सब लोगों को इस फ्लो के साथ आगे बढ़ना है। हमारा मिस्टर एस के पास बहुत बड़ा विश्वास है, एंड वो हमारे साथ कुछ भी कभी भी जो है किसी भी प्रकार का गलत नहीं होने देंगे। इस बात का हम सब लोगों को जो है पूरा बिलीफ सिस्टम है, एंड हमारा हाथ पकड़कर वो जिधर ले जाना चाहते हैं
हम उनको फॉलो करके उनको हमेशा फॉलो करते रहेंगे, यानी कि हमें उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। सो फाइनल रिपोर्ट और फाइनल अपडेट आने तक हम सब लोगों को वेट करना ही करना है। तो बहुत सारा वेट कर लिया है, कुछ चीजें फाइनल होने वाली हैं, कुछ चीजें फाइनल हो चुकी हैं, तो जो चीजें फाइनल अभी नहीं हुई हैं वहां तक हम वेट करें। उसके बाद बैक ऑफिस में जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है उसके बाद हम उन सारी चीजों को पूरी तरीके से फाइनल मान लेंगे। ओके, तो अभी जो कुछ भी बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन हमें सोशल मीडिया पर उसी तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाना है जिस तरीके से लोगों के बीच में एक मिसलीडिंग वाली इन्फॉर्मेशन ना पहुंच पाए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर सो नीड टू विन इट।